नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आफ्ताब स्टडी क्लासेस में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट सेकंड के लिए इंग्लिश लिटरेचर के पेपर के बारे में। ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर का पेपर है ये, पेपर फर्स्ट है और इसमें आपका टॉपिक है ड्रामा। ठीक है, ड्रामा से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पेपर आपका 2018 का पेपर है, तो आप इस पेपर को देखिएगा। इसका कोड है 11007। ठीक है, इसका कोड लिखा हुआ है। देखिए, इसके लिए आपको 3 घंटे का समय मिलता है और 3 घंटे के समय के साथ साथ आपका ये पेपर 50 नंबर का होता है, ये समझ लीजिए। लिखा हुआ है नोट अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस सेक्शन ए, जो है आपको यहाँ पर सेक्शन ए के में जो है सभी प्रश्नों का आपको जवाब देना है। अब आप देखिएगा यहाँ पर क्या आपसे पूछाता है। लिखा है एक्सप्लेन विद रिस्पेंस टू कॉन्स्ट्रक्ट एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। मतलब क्या है कि आपको इनमें से जितने भी आपको दे रखे हैं इनमें से आपको सिर्फ 4 की एक्सप्लेन करनी है। इसका आपको रिफरेंस लिखना है और इसका आपको कॉन्स्ट्रक्ट भी लिखना है। ठीक है, जिसके लिए आपको 4 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, तो ये 16 नंबर का आपका आता है। अब आप ये समझिएगा आपको कितने आपको पैराग्राफ दे रखे होंगे। देखिए, पहला पैराग्राफ आपका इतना बड़ा लिखा हुआ है यहाँ पर है, दूसरा भी आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है। देखिए, मैं आपको सभी पैराग्राफ दिखाऊंगा। देखिए 2 हो गए हमारे। इसके बाद आप देखिएगा तीसरा पैराग्राफ, समझिएगा यहाँ पर। ठीक है, देखिए ये आपका तीसरा पैराग्राफ यहाँ पर देखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक तीसरा पैराग्राफ है। इसका देखिए चौथा पैराग्राफ, देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ से स्टार्टिंग है, यहाँ पर ख़त्म है, ये चौथा वाला हो गया है। चौथे वाले के बाद देखिए आप लोग पाँचवा भी देख लीजिए यहाँ पर। देखिए पाँचवा यहाँ से स्टार्टिंग हुआ, यहाँ पर भी खत्म हुआ। ठीक है, पाँचवा ये हो गया। इसका देखिएगा छठा, देखिए यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर छठा आगे भी मिलेगा आपको। ठीक है, तो 6 तो ये हो गए हमारे, और देखिए आपको आगे और मिलेंगे अभी, समझिए। यहाँ पर देखिए छठा ये वाला यहाँ पर पूरा हुआ, फिर सातवां देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ खत्म हुआ सातवां वाला, आठवां देखिए यहाँ पर खत्म हुआ और नवा वाला यहाँ पर। तो देखिए इस प्रकार से हमारे ये 9 है, तो 9 में से आपको सिर्फ 4 की जो है व्याख्या करनी होती है एक्सप्लेन कॉन्स्ट्रक्ट सहित। तो देखिए बहुत ही आसान है कि 9 में से आप लोग 4 की तो आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको सरल लगे आप सिर्फ उसी की व्याख्या करिएगा तो बहुत ही सही रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको 16 नंबर मिल जाएंगे। अब देखिए इसके बाद में नंबर दूसरे में क्या कह रहा है वो समझिएगा आप लोग। यहाँ पर लिखा हुआ है गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ ओथेलो एज ए ट्रेजिक हीरो। 7 नंबर क्वेश्चन ये वाला है, अथवा है कि डिस्कस द वे ऑफ वर्ल्ड एज ए कॉमेडी ऑफ मैनर्स। तो 2 में से आपको एक ये करना है। देखिए इसके बाद और हो सकता है एक और हो, हाँ ठीक है, आपको एक और मिल गया है यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, राइट नोट ऑन द प्रॉब्लम प्ले और पोएटिक ड्रामा। लिखा हुआ है एलाबोरेटिंग योर आंसर विद सुइटेबल एग्जाम्पल। तो आपको 3 में से आपको सिर्फ एक का जवाब देना है। ठीक, समझिएगा 3 में सिर्फ एक का जवाब देना है। इसके लिए आपको क्वेश्चन मतलब कितने नंबर मिलेंगे, 7 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए नंबर 3 में आपसे क्या कह रहा है वो भी समझिएगा आप लोग। यहाँ पर लिखा है सो हाउ साइन कैंडिडा ट्रीट्स द इंटरनल सिचुएशन ऑफ ट्रायंगल इन लव इन ए डिफरेंट वे। अथवा में लिखा हुआ है डिफाइन ट्रेगेडी एंड डिस्कस द फॉर्म्स ऑफ ट्रेगेडी। और तीसरा लिखा हुआ है डिस्कस बर्नार्ड शॉ एज ए ड्रामाटिस्ट ऑफ आइडिया। तो आपको यहाँ पर 3 में से आपको सिर्फ एक का जवाब देना है, जिसके लिए आपको 7 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद देखिएगा सेक्शन बी में क्या पूछ रहा है, बहुत समझिएगा आप लोग। सेक्शन बी यानी 5 क्वेश्चन और मोर देन 100 वर्ड्स। तो आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर 5 प्रश्नों का जवाब देना है, जिसके लिए आपको जो है 100 शब्दों से ज़्यादा का नहीं लिखना है। इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ पढ़कर। देखिए पहला लिखा हुआ है ब्रिंग आउट द रोल ऑफ एमेलिया इन ओथेलो। दूसरा है राइट नोट ऑफ मार्क बैंक्स। तीसरा है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ शेक्सपियर ऑन ट्रेगेडी। चौथा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय थिएटर ऑफ एब्जर्ड। पाँचवा है ब्रिंग आउट द लिखा है एक्सेप्शनल पैथोस और लिखा है ऑफ द लास्ट सीन ऑफ ओथेलो। और देखिए कितना लिखा हुआ है राइट नोट ऑन विद वाउट एंड पेटुलांट। और देखिए सातवां लिखा हुआ है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रेगी कॉमेडी। आठवां लिखा हुआ है एक्सप्लेन कोलोस्ट ड्रामा। तो इस प्रकार से देखिए आपके सामने 8 क्वेश्चन लिखे हुए हैं और भी देख लीजिए आगे, बस 8 थे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको इन 8 में से सिर्फ कितने करनी है, मतलब 5 का जवाब देना है। ठीक है, 8 में सिर्फ आपको 5 का जवाब देना है। इसके बाद देखिएगा सेक्शन सी में क्या पूछा गया वो समझिएगा आप। सेक्शन सी देखिए लिखा हुआ है कि अटेम्प्ट ऑल द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपको प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का मिलेगा। पहला लिखा हुआ है शेक्सपियर वाज बोर्न इन। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इसमें कौन सा होगा। इसी प्रकार देखिए दूसरा लिखा हुआ है, तीसरे वाले को पढ़िएगा, चौथे वाले को पढ़िएगा। चौथे वाले के बाद देखिए आप लोग पाँचवा देखिएगा, छठा देखिए, सातवां, आठवां देखिए, नवा देखिएगा और नवे के बाद देखिए आप लोग 10वां देखिए। ठीक है, तो कितने करने थे आपको, सभी करने, तो आपको जो है 10 में से 10 करने हैं। ठीक है, तो आपका जो है प्रत्येक ये भी 10 नंबर का आपको तो ये हो गया, तो टोटल आपका 50 नंबर का पेपर हो गया है। ठीक है, अगर आपको इसका सेकेंड पेपर भी चाहिए तो आपको वो भी हमारे चैनल पर मिल जाएगा। चैनल की प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ से आप जो है EMJP रोहिलखंड के पेपर जो है सभी पेपर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।